मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू चैप्टर 3 हिस्ट्री द दिल्ली सल्तनत। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द डायनेस्टी विच आर रूल्ड ओवर द दिल्ली। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उन डायनेस्टी के बारे में जिन्होंने समय समय पर दिल्ली पर शासन किया। ओके, तो लेट्स वी स्टार्ट अवर चैप्टर विद द इंट्रोडक्शन हाउ द दिल्ली कम अंडर दिस डायनेस्टी। इंट्रोडक्शन। ड्यू टू द लैक ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी इन इंडिया ड्यूरिंग द 10th एंड 11th सेंचुरी इंडिया वॉज अनेबल टू स्टॉप द अटैक फ्रॉम द इन्वेडर्स। तो जो 10th और 11th सेंचुरी थी, एक ऐसा समय था कि जो हमारी भारत की पॉलिटिकल या यहाँ पे जो राज्य करने वाले राजाओं की जो ताकत थी बहुत ही कमज़ोर या बहुत अस्थिर थी, जिसका फ़ायदा बाहरी ताकतों को मिला और उन्होंने हमारे देश पर हमला कर या आक्रमण कर बहुत से राज्यों पर अधीन कर अपने अंडर में अधीन कर लिया और उन्होंने उस पर शासन करना शुरू किया। तुर्क्स अटैक्ड इंडिया फ्रॉम ऑल साइड्स एंड वे आर गेटिंग द क्विक विक्ट्रीज। तो उन्हीं में से एक थे तुर्क, जिन्होंने भारत पर इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए चारों तरफ से हमला किया, आक्रमण किया और भारत के कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। दे एस्टैब्लिश देयर एम्पायर इन 13th सेंचुरी, और उन्होंने भारत में अपना एम्पायर 13th सेंचुरी के आसपास इस्टैब्लिश किया। द पीरियड बिटवीन 1206 टू 1526 वेन द 5 डायनेस्टी। तो इस बीच 1206 से लेकर 1526 के बीच दिल्ली पर 5 डायनेस्टी ने शासन किया, जो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। स्लेव 1206, खिलजी 1290, तुगलक 1320, सैयद 1440 एंड लोधी 1451 टू 1526। इस प्रकार 1206 से 1526 के बीच कुल 5 डायनेस्टी, अबाउट द 5 डायनेस्टी रूल्ड ओवर दिल्ली। सम ऑफ देम आर स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। द सक्सेसिवली द रूल फ्रॉम द दिल्ली इज नोन द पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो इसी पीरियड को हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। द रूलर हु रूल फ्रॉम द दिल्ली वेयर कॉल्ड एज अ सुल्तान, और जो दिल्ली पे शासन करता था उसे हम कहते थे सुल्तान। नाउ हाउ वी कम टू नो अबाउट ऑल दिस, हमें कैसे पता या हम कैसे जानेंगे। तो जैसे मैंने आपको इससे पहले भी लेसन 1 और लेसन 2 हिस्ट्री का समझाया था, तो हमारे पास उस समय के आर्कोलॉजिकल सोर्स, इंस्क्रिप्शंस या मॉन्यूमेंट्स जो भी अवेलेबल रहता था, तो आर्कोलॉजिस्ट है उसकी स्टडी करके वो टाइम पीरियड निकाल कर बताते थे। तो उन्हीं है कि आर्कोलॉजिकल सोर्स में जो भी हमें खुदाई पे मिलते हैं आज से हजारों साल पहले, ठीक है, इंस्क्रिप्शन, हैंड रिटन दस्तावेज या कोई डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हो, चाहे वो पाम ट्री पे के लिप्स पे लिखा हो, बार्क पे लिखा हो या के टैबलेट मिट्टी के बने हुए के टैबलेट पे हो, मॉन्यूमेंट्स लाइक रेड फोर्ट, लाल किला जैसे कुछ मॉन्यूमेंट्स या आयरन पिलर। ओके, दीज आर द सम आर्कोलॉजिकल सोर्स which gave the information of that period and we came to know about it। तो ये कुछ ऐसे सोर्स है जिनकी स्टडी इस आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा की जाती है और इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, जिसके द्वारा हम को जानकारी मिलती कि अरे हाँ, कि उस समय ये डायनेस्टी दिल्ली पे शासन करती थी। Now inscriptions, many inscriptions were found on a coins, monuments like mosque, temples, places etc. तो many inscriptions are found on coins, inscriptions जो हमने बात की थी लिखा हुआ, तो वो coins पे हो सकता है या उस समय वो जो monuments बनाते थे जैसे मस्जिद बनाए या मंदिर या आपके और कोई monuments हो गए जैसे लाल किला, तो उस पर वो उस समय की जो स्थिति या स्टैंडर्ड रहता तो उसके अनुसार वे जो उस पर लिखते थे उसे हम inscription कहते हैं। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शंस आर इन संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, हिंदी एंड अदर लैंग्वेज। तो
they use the language like Hindi, Sanskrit, Arabic, Persian. तो वो inscription लिखने के लिए वो हिंदी का प्रयोग करते थे, Persian language या Arabic language का use करते थे. This inscription gave a lot of information about the political, society, culture, religion. तो ये inscriptions जो है हमें एक महत्वपूर्ण सूचना देते थे उस काल या उस समय, उस टाइम पीरियड का, कि उस समय के लोग या शासन करने वाले किस प्रकार की स्थिति से गुजरे थे, उस समय में कौन सा धर्म चलता था, उस समय की शासन व्यवस्था क्या थी, या उस समय कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी. तो ये सब हमको इंस्क्रिप्शन से पता चलता है. सम इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइब द गिफ्ट्स गिवन टू द रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. तो कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे भी होते थे जो चैरिटेबल ट्रस्टेस या मंदिरों को दान के रूप में दिया जाता था और उनका व्यू, उनका पूरी डिटेल लिखी जाती थी. नाउ एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू अबाउट फ्रॉम 1206 टू 1526 अबाउट द फाइव डायनेस्टी रूल्ड ओवर द दिल्ली. नाउ दीज आर द स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी. इन दिस चार्ट यू कैन सी विद योर ईयर. नाउ लेट्स वी स्टार्ट विद द स्लेव डायनेस्टी. द स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक. इट वॉज इस्टेब्लिश बाय द कुतुबुद्दीन ऐबक. वाट डू यू मीन बाय द स्लेव? स्लेव मतलब जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो एक गुलाम था. तो उसके मालिक ने या उसके राजा ने उसे खुश होकर उसे एक राज्य गिफ्ट के रूप में दे दिया. अपने राज्य का कोई भी एक हिस्सा उसे कुतुबुद्दीन ऐबक को एक खुश होकर उसकी सेवा से उसको गिफ्ट में दिया. तो इस प्रकार एक स्लेव डायनेस्टी की नींव हुई. आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द मोहम्मद गोरी बिफोर लिविंग फॉर द अफगानिस्तान द स्लेव जनरल कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज लेफ्ट बिहाइंड एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया. तो जो मोहम्मद गोरी के अंडर में ये अपने कुतुबुद्दीन ऐबक थे जो उनके आर्मी मैन हुआ करते थे, जिसे हम सेना नायक कहते हैं. तो जब मोहम्मद गोरी भारत से जाने लगे अफगानिस्तान, तो उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने वाइसरॉय के रूप में भारत में रखा. उनका काम था कि वो उस राज्य की देखभाल करे, उस पर शासन करे. द कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ममुल्क सुल्तान. ही बिल्ड टू मॉस्क्यू, कुवत उल इस्लाम एंड अजमेर मॉस्क्यू. तो इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी की नींव या स्थापना की. और इसे इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज ममुल्क, इसे ममुल्क भी कहा गया. तो उसने अपने शासन काल में दो मस्जिद का निर्माण किया था. एक था कुवत उल इस्लाम, कुवत उल इस्लाम, और एक अजमेर मॉस्क्यू. हिज सन आरम शाह सक्सीडेड हिम बट ही वॉज द ओवरथ्रोन बाय ऐबक सन इन लॉ इल्तुतमिश. तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटे ने उसकी गद्दी संभाली, शासन संभाला, पर वो अपने पिता की तरह स्ट्रांग नहीं था. ठीक है, तो उसे उस शासन से हटाया गया. किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ के द्वारा. ओके, और जिन्होंने इसको हटाया आमिर शाह को, उनका नाम था इल्तुतमिश. ये सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के. द स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक कंटिन्यू. द चंगेज खान हैड ड्रीवन आउट हिज आर्मी जलालुद्दीन. इल्तुतमिश डिसाइडेड नॉट टू गिव रिफ्यूज टू जलालुद्दीन एंड ही डिडंट वॉन्ट चंगेज खान टू इन्वेड इंडिया. तो चंगेज खान भी एक इन्वेडर था जिसकी नज़र भारत पर शासन करने की थी, परंतु जो इल्तुतमिश था वह नहीं चाहता था कि जो चंगेज खान है वो भारत पर आकर अपने राज्य की नींव या अपने राज्य की स्थापना करे. ही फॉर्म अ तुर्क ई चालीस अ ग्रुप ऑफ अ 40 नोबल्स हु रूल ड्यूरिंग द पीरियड. तो उन्होंने इन्हीं सबसे बचने के लिए अपने कुछ वफादार तुर्क लोग, एक 40 लोगों का समूह बनाया जिसे नाम दिया गया था तुर्क ई 40. सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम. तो इल्तुतमिश के द्वारा ही सोने और चांदी के सिक्के उस समय उसके शासनकाल में चलन में आए या इंट्रोड्यूस किया गया. इल्तुतमिश डिडंट कंसीडर्ड हिज सन टू बी अ कैपेबल, सो ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया सुल्तान एज हिज सक्सेसर.
He had to face many challenges, but she proved to be a able brave ruler. तो अब इल्तुतमिश जो थे वो जानते थे कि उनका जो बेटा है वो उतना कैपेबल नहीं है रूल करने के लिए या राज्य को संभालने के लिए, तो उन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को उसके लायक समझा और अपना शासन उनके हाथ में सौंप दिया। परंतु उस समय जो उसके राज्यसभा में जो नोबेल्स मंत्री महामंत्री या जो सेना के अध्यक्ष होते उन्हें यह पसंद नहीं था कि वह एक औरत या लेडी के अंडर में काम करे, सो ही वॉज अपोज्ड बाय मैनी ऑफ देम। तो उसका बहुत विद्रोह हुआ, परंतु वह कैपेबल थी, सो शी प्रूव्ड हरसेल्फ। तो उसने अपने आप को साबित किया कि नहीं, मैं भी एज अ रूलर कैपेबल हूँ। नाउ लेट्स कंटिन्यू द खिलजी डायनेस्टी। आफ्टर द मर्डरिंग द लास्ट स्लेव किंग कुतुबुद्दीन बालबन, जलाउद्दीन खिलजी फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी इन 1290। तो जो स्लेव डायनेस्टी के आखिरी रूलर थे उनका नाम था बालबन, जलाउद्दीन खिलजी फाउंडेड द खिलजी डायनेस्टी। और ये खिलजी डायनेस्टी किसके द्वारा फाउंडेड की गई थी? जैसे स्लेव डायनेस्टी जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा थी, तो उसी प्रकार जलालुद्दीन खिलजी इन्होंने स्लेव डायनेस्टी के बाद खिलजी डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट की 1290 के आसपास। आफ्टर द सिक्स ईयर लाइक डैट 1296 जलाउद्दीन वॉज किल्ड बाई हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी। अब देखिए, छः साल के बाद, अपने राज्य की स्थापना के छः साल के बाद उनका मर्डर कर दिया गया था, उनके बेटे, उनके भतीजे और उनके सन इन लॉ के द्वारा। जिन सन इन लॉ का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, हु प्रोक्लेम हिमसेल्फ एज अ सुल्तान, और उसने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन हैड टू फेस द रिबेलियन ऑफ मंगोल्स, बट ही किल्ड मोस्ट ऑफ देम नियर दिल्ली। तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसको मंगोल, ठीक है, जो हमारे भारत की सीमा से लगते हुए एक देश है मंगोल, तो वहाँ के रिबेलियन का उन्होंने बहुत कड़ा मुकाबला किया और बहुत से लोगों को उन्होंने मार दिया या मार भगाया। ही कैप्चर्ड द मालवा, गुजरात, रणथंबोर एंड चित्तौर। तो जो अलाउद्दीन खिलजी के जो विक्ट्री थी उनमें से कुछ है मालवा, गुजरात, रणथंबोर और चित्तौर, ऐसे राज्य उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। अलाउद्दीन मिलिट्री कमांडर मलिक कफूर कैप्चर्ड द मैनी टेरिटरीज एंड कलेक्टेड द इमेंसिव ब्यूटी, एलिफेंट्स, हॉर्सेस, ज्वेल्स एंड गोल्ड्स फॉर द सुल्तान। तो अलाउद्दीन, जब भी अलाउद्दीन खिलजी युद्ध के लिए जाता था तो उसका जो सेना नायक या सेना अध्यक्ष था जिसका नाम मलिक कफूर था, एक ब्रेव था, ब्रेव सोल्जर था, सेना नायक था, उसने बहुत सी टेरिटरी जीत कर अपने मालिक या अपने शासन करने वाले राजा को दी थी और कई राज्यों से उसने बहुत सा रेवेन्यू भी कलेक्ट किया था जिसमें बहुत से एलिफेंट, सिल्वर या गोल्ड के कॉइन्स थे, ज्वेलरी थी फॉर हिज सुल्तान। रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत से कुछ सुधार किए शासन के लिए, प्रजा के लिए, उनमें से कुछ हम अभी आपको समझाएंगे। आफ्टर द कंट्रोलिंग द मोस्ट ऑफ द नॉर्थन इंडिया ही ब्रॉट द मैनी चेंजेस लाइक मार्केट रेगुलेशन, फिक्स्ड प्राइस ऑफ द कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, क्लोथ, शुगर, कुकिंग ऑयल एक्सेट्रा, हेल्प द सोल्जर्स एंड कॉमन मैन बिल्ड द मार्केट। तो आफ्टर कंट्रोलिंग द मोस्ट नॉर्थन पार्ट, तो उसने अधिकतर नॉर्थन पार्ट्स के एरिया को अपने अधीन कर लिया और अधीन करते ही उसने क्या क्या, मार्केट रेगुलेशन, और मार्केट रेगुलेशन मतलब उसने हर एक चीज़ का प्राइस तय कर लिया था, चाहे वो गेहूँ हो, दाल हो, अनाज हो, हर एक का उसने प्राइस फिक्स कर दिया था और कोई भी इस फिक्स प्राइस से ज़्यादा रेट पे अगर कोई चीज़ सेल करता था तो उसे उसके द्वारा पनिशमेंट या फाइन दी जाती। जैसे हम आज के ज़माने में अगर बात करते हैं आज के हिसाब के या आज के पीरियड से, तो जिसे हम ब्लैक मार्केटिंग, जमाखोरी या कालाबाजारी कहते हैं। इस प्रकार उस समय करने पे
जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके द्वारा उसे सजा दी जाती थी। डेक्कन एक्सपेंडिशन ही कॉन्केर्ड द यादव, क्षत्रिय, होसल्स, पांड्यास, बट डिड नॉट एनेक्स देम। द मेजर्स अगेंस्ट द नोबल्स, मिलिट्री रिफॉर्म्स, ओके, उन्होंने बहुत से मिलिट्री रिफॉर्म्स भी किए, जैसे उन्होंने अपनी सेना में बहुत से घोड़ों को लगाया जो युद्ध में या लड़ाई के समय में काम आता था। रेवेन्यू रिफॉर्म्स, ही कैंसल्ड ऑल द लैंड ग्रांट्स गिवन टू द मुस्लिम लैंड लॉर्ड्स, हैंडेड हिंदू लैंड और हाशरी टू ऑफिसर्स। तो उन्होंने क्या किया, जो ग्रांट उस समय जैसे हमारे देश में मुस्लिम शासन हुआ करता था, तो बहुत से ज़मीनें या बहुत सा ग्रांट मुस्लिम लैंड लॉर्ड्स को ऐसे ही दे दिया जाता था गिफ्ट के रूप में, तो उन्होंने सबसे पहले इसे ख़त्म किया। इस प्रकार से बहुत से रिफॉर्म्स जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किए गए।